नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी के टॉपिक में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जो कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने नाक जो है कंप्लीट कर ली थी और उसमें जो है आज ही उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसे ही फिनिश करेंगे और इसके बाद में फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमने देखा था पिछली क्लास में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जाना था कि भाई हम जो नाक से लेते हैं, नोज से अपनी क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, और एयर के बाद में ये चीज़ कहाँ जाती है, ये जाती है विंड पाइप यानी कि श्वास नली में, और उसके बाद में फिर लंग्स में, और लंग्स में ब्लड में, ब्लड के बाद में हीमोग्लोबिन HB, और जो हमारा CO2 है उसको हम क्या कर देती है, हमारी नाक आउट कर देती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर था हमारा, इसको हमने जाना था। तो आज जो है हमने पहले नाक के बारे में पढ़ा था कि नाक में क्या होता है, नाक के बालों का क्या कार्य है और नाक का वर्क होता क्या है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इसकी विंड पाइप की या श्वास नली की। दोस्तों बात करते हैं हम विंड पाइप या श्वास नली। इसका कार्य पहले हम जानते हैं दोस्तों, इसका कार्य होता है कि नाक के बाद हवा जो ट्रांसफर होती है श्वास नली के पास आती है, ठीक है। नाक के बाद में जो, जैसे हम नाक से हमने हवा ली और हवा जो है नाक के बाद में किसके पास में जाएगी, श्वास नली के पास जाएगी। श्वास नली का कार्य क्या होता है, श्वास नली का कार्य है कि हवा जो है वो फेफड़ों तक ट्रांसफर करने का कार्य है, ठीक है। जो श्वास नली है, देखो नाक के बाद में जो हवा है वो कहाँ पर गई है, श्वास नली में यानी कि विंड पाइप में। इसके बाद में ये क्या करता है, इस हवा को लंग्स के पास में क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने का कार्य है किसका, श्वास नली का कार्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच दोस्तों पानी में जिंदा नहीं रहता, क्यों, क्योंकि ये जो है ट्रेकिया से सांस लेता है। ट्रेकिया कॉकरोच कभी कभी ऑप्शन में आपको तिलचिट्टा मिल जाएगा, बात एक ही है कॉकरोच या तिलचिट्टा, है ना, किससे सांस लेता है। तो ये पूछा जाता है किससे पूछा, ये ट्रेकिया से सांस लेता है, और पानी में ये जीवित नहीं रह पाता। अगर हम इसको पानी में डाल दें तो ये जीवित नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि जिससे ये श्वसन करता है ट्रेकिया, अब ये ट्रेकिया है जो है इसमें ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, मतलब हल्के हल्के छेद पाए जाते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से ये पूरा अपना श्वसन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए जो कॉकरोच है वो पानी में जीवित नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फेफड़ों की, ठीक है, लंग्स की बात करेंगे, इंपोर्टेंट होगी क्या लंग्स, जिसको हम फेफड़े कहते हैं। दोस्तों जो फेफड़े हैं, अगर हम इसके अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ लंग्स किसे कहते हैं, पुम्नोलॉजी को कहते हैं, ठीक है। फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुम्नोलॉजी कहलाता है। अगर हम इसके भार की बात करें कि वेट कितना होता है, फेफड़े में वेट होता है दोस्तों 1.5 से लेके 1.7 kg तक, इतना वेट होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। फेफड़े में बाहरी झिल्ली होती है, फेफड़े की बाहरी झिल्ली जो बाहर की तरफ बनी हुई होती है, बाहरी झिल्ली जो बहुत ही बारीक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टर से भी पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। अगर इसके कलर की बात करें कि फेफड़ों का कलर कैसा होता है, तो लाइट पिंक, हल्का गुलाबी कलर का होता है फेफड़ों का कलर, ठीक है। एक बार मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा हमें अंदाजा रहेगा कि लंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये झिल्ली पाई जाती है उसमें। Thank you.
छोटा बड़ा थोड़ा बहुत अंतर होता है दोनों में, दोनों एक जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर होता है दोनों लंग्स में। ये जो बाहर की झिल्ली बनाई है इसे ही बोलते हैं दोस्तों पिलोरा, ठीक है, इसको ही बोलते हैं पिलोरा। और यहाँ पे एल्वियोली पाई जाती है जिसे हम कूपी का भी कहते हैं, दोनों के लंग्स के पास में होती है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स जिससे ध्वनि निकलती है, ध्वनि ध्वनि वाला जो यंत्र है हमारा, जिसको हम कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स कहते हैं इसको, कॉर्टेक्स नहीं लारेक्स, लारेक्स बोलते हैं दोस्तों, लारेक्स, ठीक है, ध्वनि यंत्र है। इसके बाद में ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है हमारा विंड पाइप, जिसको हम कहते हैं दोस्तों श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। और ये जो बाहर की आपको ये झिल्ली दिखाई दे रही है इसका नाम है प्लूरा, प्लूरा। और ये है हमारा हृदय, मतलब यदि ये देखें तो ये आपका जो है राइट लंग्स है, राइट लंग्स, और ये आपका लेफ्ट है, ये दायां फेफड़ा है और ये बायां है, लेफ्ट, ठीक है। ये इनका नाम है दोस्तों एल्वे ओली बोलते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम है कूपिका, कूपिका, ठीक है। कि आपने सुना भी होगा कि लंग्स में जो है पानी भर जाता है, तो वो जो पानी है वो किस में होता है, वो इन कूपिकाओं में ही स्टोर हो जाता है, तो इसे निकालने के लिए बहुत सारी टैबलेट जो है डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लंग्स एक अपने आप में एक जो है हमारा मेन अंग है, कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो ब्लड है वो इसका क्या कार्य है, इसका शुद्धिकरण करने का है, फेफड़ों का कार्य है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को जो है ट्रांसफ़र करता है किसके पास में, हार्ट के पास में। तो ये जो है सारी गैसें जो होती है, मतलब जो CO2 है, जो अशुद्ध ब्लड है जिसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, उसमें से CO2 को निकालने का कार्य किसका होता है, लंग्स का होता है, ठीक है। तो अगर लंग्स सही से वर्क नहीं करेंगे तो फिर जो शुद्ध ब्लड है वो ट्रांसफ़र हार्ट को नहीं हो पाएगा, तो हार्ट भी फिर शुद्ध ब्लड को वो करता है, तो इम्प्योर ब्लड को वो पंप नहीं करता है। तो ये बात है कि जैसे हमारा हार्ट है ना, लंग्स है, किडनी है, तो लीवर है, ये सारे क्या है, मेन ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में अगर अच्छे से वर्क ना करे तो हमारा जो शरीर का पूरा प्रोसीजर है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, ये जो एल्वियोली है, इसमें आपको एक लंग्स में दिखाई दे रही होगी, कि अगर एक फेफड़े की बात करें, एक फेफड़े में एल्वियोली की संख्या, इसकी संख्या होती है दोस्तों 100,000। अगर दो फेफड़ों की बात करें, दो फेफड़ों में एल्वियोली की संख्या होती है दोस्तों 200,000, ठीक है। ये डार्क रूप से भी आपसे पूछी जा सकती है संख्या, कि कितनी संख्या होती है इनकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डायग्राम अच्छे से बना लें। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाली चीज, इसको बोलते हैं हृदय गुहा, ठीक है, हृदय गुहा कहते हैं इसको। ये पिलूरा है, और ये देख लो, ये जो इम्प्योर ब्लड है इसको ये शुद्ध करने का कार्य करता है, और ये है कूपिका, ये वाली है कूपिका, ठीक है। और ये जो खाली स्थान है, दो फेफड़ों के खाली स्थान को क्या कहते हैं हम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोलते हैं दोस्तों मेडिस्टिनल, मेडिस्टिनल, ठीक है। तो ये आप डायग्राम को अच्छे से बना लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ा हम आगे इसमें कुछ डिस्कस करेंगे। देखो फेफड़ों का कार्य क्या होता है दोस्तों, फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन को इन करना है और CO2 को क्या करना है, आउट करने का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, क्योंकि CO2 को ये आउट करता है, तो इससे हमें क्या मिलता है, शुद्ध ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है उसमें केवल O2 होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को ही हम प्योर ब्लड कहते हैं, और जिसमें अदर गैसेस होती हैं उसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। धमनी और सिराओं में मैंने ब्लड का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखा है।
अब अगर हम सामान्यतः बात करें तो मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर लगभग 65% ऑक्सीजन से बना हुआ है। मानव के जो ध्वनि यंत्र है, मानव का ये वाला जो यंत्र है वॉइस बॉक्स, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लारेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये दो फेफड़ों की खाली जगह को क्या बोलते हैं? मेडिस्टिनल कहते हैं, है ना। एक कूपिका मतलब एक लंग्स में, एक फेफड़े में कितनी कूपिका, एक कूपिका होती है, या कूपिका जो है ये एक फेफड़े में एल्वियोली की संख्या, देखो एल्वियोली भी कह सकता है या कूपिका कह सकता है, कितनी होती है? 100,000। अगर आपसे दोनों लंग्स में पूछ ली तो 2,00,000 होती है, ठीक है। फेफड़े की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लोरा कहते हैं। और ये जो है फेफड़ों में बीच में आपको पता ही है हृदय गुहा होती है। तो डायरेक्ट रूप से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये भी फेफड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है दोस्तों श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है, जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक करा दिए हैं आप, उससे जो है कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लो, चाहे वो किसी भी राइटर का हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हों। जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि स्पेशल साइंस इसमें आती है, तो स्पेशल साइंस मतलब साइंस से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है बिल्कुल साइंस की प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें और उससे लगातार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ में प्रैक्टिस भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई किस तरह के और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हम कोई और नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।